नमस्कार दोस्तों, मैं कंचन अग्रवाल कुकिंग का तड़का में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल दलिया, जो बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर को गैस पे रखेंगे, उसमें हम घी डालेंगे, एक चम्मच जीरा डालेंगे और चुटकी भर हींग इसमें ऐड कर देंगे। जीरा भुन जाने पर हम अदरक इसमें ऐड करेंगे, हरी मिर्च। अदरक हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। जब अदरक हरी मिर्च हो जाएंगे तो इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक ही भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और हमने जितनी भी सब्जियां सारी काटी हुई हैं, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, मटर, अगर आपके पास कोई और सब्जी भी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आलू भी इसमें आप एक काट के ऐड कर सकते हैं, फूल गोभी भी आप इसमें काट के थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी सी सब सब्जियां आप इसमें अपने मनपसंद जो भी आपको पसंद है वो सब ऐड कर सकते हैं और इनको सबको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अब इसमें हम डालते हैं आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लेंगे। इसको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये हमने दलिये का पैकेट लिया है, 250 ग्राम दलिया हम बना रहे हैं, तो हमने ये दलिया भी इसमें ऐड कर दिया है। दलिये को हम थोड़ा सा सब्जियों के साथ भून लेते हैं। अब इसमें 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी डालते जाएं और इसको अच्छे से मिलाते जाएं, जिससे दलिये में गांठ ना पड़ जाए। अगर हम दलिये को नहीं मिलाएंगे तो गांठ पड़ने का डर रहेगा। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके सीटी लगा लेंगे। 4 सीटी हम इसमें लगाएंगे, 4 से 5 सीटी हम लगाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर अगर चाहे तो आप 1 मिनट के करीब सिम फ्लेम पे भी रख सकते हैं। और जब कुकर की सीटी खुद से ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम कुकर को खोलेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दलिया देखने में लग रहा है। अभी हम इसे चेक करते हैं, देखिए पूरा हो गया है। अगर आपको जरूरत लगती है, मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसके बाद हमारा ये गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नई नई वीडियो की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।